राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में। और बस काफ़ी दिनों के बाद फिर से ब्लॉग बना रहे हैं। अभी शादी का ब्लॉग आज पब्लिश करेंगे। वीडियो कल एडिट किए थे, थोड़ा सा तबीयत बिगड़ गया है मायके से आने के बाद, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। वो टेम्परेचर जा रहा है 47, इतना गर्मी है यहाँ पे। लू तो खास नहीं चल रहा है, क्योंकि मायके में लू बहुत चल रहा था, यहाँ पे लू नहीं चल रहा है, पर धूप बहुत तेज है, गर्मी काफ़ी है, लाइन भी उतना ही कटता है, तो नींद अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और बच्चा लोग का छुट्टी हो गया है, पर हर्षित का छुट्टी नहीं हुआ है, क्योंकि अब हर्षित 10th क्लास में चला गया है। पर हाँ, 6:30 बजे से उसका स्कूल हो गया है, तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है और नाश्ता भी जल्दी बनाना पड़ता है। और बस शादी का ब्लॉग आज पब्लिश करेंगे, पार्ट 1। पार्ट 2 एक दिन के बाद जाएगा। और आज है 2 मई और आज है मेरा एनिवर्सरी, तो आप लोग खूब सारा एनिवर्सरी विश कीजिए। और बस नाश्ता वगैरह बनाए, नाश्ता में बनाए आलू और सहजन की सब्जी और रोटी, तो पतिदेव को भी दे दिए हैं, वो ड्यूटी गए हैं। पतिदेव घर में कुछ भी हो, उनका ड्यूटी नहीं छूटना चाहिए, ड्यूटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई खुशी नहीं है। तो इसीलिए मेरा एनिवर्सरी हैप्पी नहीं रहता है, बोलते हैं ना हैप्पी एनिवर्सरी, मेरा हैप्पी नहीं रहता है। बोलते हैं छुट्टी ले लेने या कुछ भी, तो कुछ भी वो ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा अब करते हैं, पहले नहीं करते थे, पहले हमेशा सेलिब्रेट करते थे, अपने मन से करते थे, मेरे लिए कुछ खरीद भी देते थे, पर अब कुछ भी नहीं। तो पिछले साल का, पिछले साल तो मंदिर नहीं गए थे, पर पिछले साल गए थे अमित के साथ, और आज भी जा रहे हैं। देखते हैं, अभी सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए। और अभी जस्ट झाड़ू पोछा करके बैठे हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और अमित नहाने जा रहा था, पर गया है भिंडी तोड़ने के लिए, क्योंकि पौधों में पानी दे रहा था। जो कपड़े धो करके रखता है पानी गर्मी में, क्योंकि पानी का भी थोड़ा सा किल्लत चल रहा है, तो पानी भी बचाया जा रहा है, तो वही जो कपड़े धोते हैं उसी का पानी वो पौधे में डालता है, तो वही डालने गया, तो उसको भिंडी दिख गया, तो वो भिंडी तोड़ रहा है। कपड़ा वगैरह खोल दिया था, सिर्फ गमछा पहन के वो भिंडी तोड़ रहा है। और वहाँ पे हमको भी कपड़ा धोना है, यहाँ पे रखे हैं साड़ी, कल साड़ी पहने थे, तो बाहर ही धोएंगे, इसका पानी यूज कर लेंगे इसीलिए। और ये देखिए भिंडी और तोड़ रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ पे हमारा बन रहा है केक। बस बना दिए हैं, कट करेंगे या नहीं करेंगे उसको पता नहीं, क्योंकि पतिदेव से हमेशा हमारा मैरिज एनिवर्सरी में 1-2 दिन पहले झगड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे बन रहा है हमारा केक, चॉकलेट केक बना रहे हैं इस बार। और यहाँ पे धनिया पी लिए हैं, और ये जो पत्ता है इसको पीते हैं। और यहाँ पे बनाए थे आलू सहजन की सब्जी। किचन में थोड़ा सा लाइट कम जल रहा है इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। तो बस अमित नहा लेता है, इसके बाद जा रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि अमित को नहाने में टाइम नहीं लगेगा और हमको नहाने में टाइम लगेगा, तो वो नहा ले तो ही हम नहाएंगे। तो बस ब्लॉग पे बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में, सोचते हैं क्या क्या करेंगे। तो नहा करके आ गए हैं और अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि टाइम का 9:30 हो गया है, क्योंकि भाई का और माँ का सबका कॉल आ गया था, तो अटेंड करने में, बात करने में टाइम लग गया। बस रेडी सेडी हो गए, और आज ये साड़ी पहने आप सभी को दिखाएंगे, बहुत सुंदर साड़ी है और कोरा साड़ी है। कोशिश करते हैं मैरिज एनिवर्सरी में कोरा साड़ी पहने, मतलब न्यू साड़ी। तो बस पहन लिए हैं और जल्द फटाफट से पूजा कर लेते हैं, और इसके बाद मंदिर जाते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी है तो टाइम भी लग जाएगा मंदिर में। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, अमित जपा कर रहा है इसीलिए आप लोगों को आवाज आ रहा होगा। तो जा रहे हैं पूजा करने के लिए, वैसे अमित पूजा कर लेता है पर आज हमको करना था तो वो छोड़ दिया है, पूरा पूजा हम करेंगे। और वैसे वो पूजा कर लेता है तो हम मतलब थोड़ा सा सिर्फ धूप बत्ती वगैरह जला लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं ऐसे करके। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, बहुत लेट हो रहा है। चल रहे हैं मंदिर के लिए, यहाँ पर इंटरलॉक मार देंगे।
चाहे ये तला मार सकता है जब वो चाबी लिए जा रहा है तो। हमारा अमित टोटो से जाएंगे, पता नहीं अमित कब गाड़ी लेगा, बुढ़िया हो जाएंगे बैठने लायक भी नहीं रहेंगे तब लेगा। धूप में दिखता भी नहीं है कुछ, पूरी धूप है, पूरा धूप काला, पानी पटाया जा रहा है, पानी पटा दो रहा है, कौन फायदा, 2 दिन पटाता है 10 दिन छोड़ता है, मर जाता है। ये खैर ये इंसान का जो दुकान है उसका काम है, जो बगल में दुकान है उन लोगों को करना चाहिए ना, तो कर ही सकता है कुछ और ना, बनिए ना तो और क्या। अब हर चीज़ सरकार थोड़ी करके देगा, थोड़ा सा आगे कर दीजिए ना लाल गाड़ी के पास। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो बस मंदिर पहुंचते ही प्रसाद ले लेते हैं और इसी यही आंटी जी के पास से हमेशा प्रसाद लेते हैं, तो यहीं पे आ गए और यहाँ पे बाल्टी में पानी रखा हुआ था तो वो छीट लेते हैं, वैसे तो नहा करके आए थे, और यहाँ पे नदी भी है पर नदी नहीं गए, यहीं पे जो बाल्टी में पानी था उसी से छीटा ले लिए, और बस प्रसाद ले लेते हैं और चलते हैं मंदिर की ओर। और बस ये रहा मंदिर, पहले से बहुत चौड़ीकरण हो गया है तो अच्छा लगता है, और कभी आए या ना आए मैरिज एनिवर्सरी में ज़रूर आते हैं। तो बस मंदिर पहुंच गए हैं और इसके बाद पूजा कर लेते हैं, तो पूजा में थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि मंदिर का बलि पड़ रहा था तो उसके लिए रोक दिया गया था दोनों तरफ से पूजा, तो बस थोड़ा सा वेट करते हैं और बस पूजा करते हैं। हो गया हमारा पूजा नहीं प्रसाद, और यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, छाया है तो, और हवा भी बहुत अच्छा आ रहा है तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, और वैसे भी बोलते हैं मंदिर में आके थोड़ा सा बैठना चाहिए, वेट करना चाहिए और माता जी से अपना सुख और दुख भी शेयर करना चाहिए, तो बस हम लोग थोड़ा सा बैठेंगे और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। जय माता दी, जय माता दी बड़ा है ना थोड़ा सा, राधे राधे छोटा है, अभी राधे राधे नहीं लिखा है सिर्फ राधे लिखा है, हाँ इसलिए छोटा है। जय माता दी थोड़ा बड़ा आ जाएगा, तो मंदिर में ही हम बैठ गए हैं, 15-20 मिनट हम लोग बैठ ही गए थे और बस बातें बातें भी हो रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, और बहुत शांति सुकून महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से जाए ही नहीं, पर घर तो आना ही है, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए, बातें बातें किए, इंजॉय किए, रील्स वगैरह बना और फिर निकल गए थे घर की ओर। और यहाँ पे आप सभी को दिखा रहे हैं प्रसाद, जो प्रसाद चढ़ा गया है नारियल, वो तो वही बोल रहे थे कि लीजिए आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। तो बस मंदिर से निकल गए हैं तो वही आंटी जी के पास फिर से जाते हैं क्योंकि उनको पैसे भी देना है और वो नारियल को अच्छे से निकाल देती हैं, तो इसलिए तो यहीं पे बैठ करके नारियल निकाल लेते हैं, इसके बाद प्रसाद खा लेते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा लेट से मिल रहा है, थोड़ा क्या बहुत ही लेट हो गया है, कि रीज़न ये था कि शादी का वीडियो डाल रहे थे और थोड़ा सा व्यूज़ का भी वेट करते हैं, और यही रीज़न के कारण वीडियो आप लोगों को लेट से मिल रहा है, और बस घर के लिए निकल गए हैं, तो चलिए घर पहुँच सामना करते हुए आ गए हम लोग मंदिर से, और इसके बाद हम लोग का होगा नाश्ता, पहले तो पियेंगे पानी क्योंकि बहुत जोर से प्यास लग गया है, और ये लड़का यहाँ पे भिंडी तोड़ के रखा है तो ऐसी छोड़ दिया घर का भिंडी, चलिए फटाफट से एक में पीपल पत्ता लेके आया है मंदिर से, जो पीपल पत्ता पीते हैं तो वहाँ पे पेड़ था तो ले लिए, और एक में प्रसाद, कुदाल से क्या कर रहा भाई, आते आते कुदाल का कर रहा, क्या गाड़ रहा, अरे बाप रे, छिपकली एक गेट के पास मरा हुआ था उसको मिट्टी दे रहा है।
चले। अरे दूध फ्रीज में नहीं रखा ना बेटा, गर्मी है भाई, हो जाता है। केक भी ठंडा हो गया है, तो देखते हैं वो आइसिंग करेंगे। चले फटाफट से, आइसक्रीम भी जम गया होगा। हाँ कल आप लोगों को बताया नहीं, आप लोग को बताया नहीं, कल हम यहाँ पे आइसक्रीम जमाए इतना सारा, और देखते हैं जमा है कि नहीं। ये तो जम ही गया होगा क्योंकि बहुत छोटा सा है। हाँ जिंदा है। हाँ अरे ये तो कंडेंस मिल्क है, सॉरी ये कंडेंस मिल्क का डब्बा लेके आ गया। सोच रहा है कि ये कलर ऐसा क्यों है, इस कलर का तो आइसक्रीम था नहीं। मेरा दिमाग में पूरा खुरापात चल रहा है, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया। सोचते सोचते याद आया कि अरे ये तो कंडेंस मिल्क है, यहाँ है, उसी में वो भी व्हिप क्रीम भी है, व्हिपिंग क्रीम। ये देखिए जम गया है। तो लीजिए सबसे पहले आप लोग खाइए केक की, आप लोग सबसे पहले खा लीजिए, एनिवर्सरी विश की है ना इसीलिए। और तो बस मंदिर से आने के बाद रेस्ट किए थे, और इसके बाद खाना बनाए थे और खाना खाए थे। सबका खाना पीना हो गया था, पति देव रेस्ट कर रहे थे, और बस सोचे कि चलो अब केक को आइसिंग किया जाए। तो बस यहाँ पे हम केक आइसिंग कर रहे हैं, और क्रीम ज़्यादा नहीं लगाए थे क्योंकि ज़्यादा क्रीम वाला हम खा नहीं पाते इसलिए। और अंदर तो बिल्कुल भी नहीं लगा था, जब भी केक बनाते हैं तो अंदर में भी क्रीम लगाते हैं, पर इस बार नहीं क्योंकि हमें भी थोड़ा सा खाना था, तो ऊपर का क्रीम हटा करके अंदर का खा सकते थे इसीलिए। और इसके बाद यहाँ पे चॉकलेट गनाश डाल दिए हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था और बहुत अच्छा केक बना था। और चॉकलेट गनाश डालने के बाद इसको अच्छे से प्लेट में रख करके फ्रिज में रख दिए थे। वैसे चाहते तो और इसका डेकोरेट कर सकते थे, पर मूड नहीं था और घर में ही खाना था, तो बस सिंपल ऐसे ही छोड़ दिए हैं। और बहुत अच्छा केक बन गया था, बहुत टेस्टी भी बना था और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा था। हमारा पनीर रेडी हो गया था, तो फटाफट से लच्छा पराठा बना लेते हैं। और ये जो पराठा है वो आटे का है, मैदा बिल्कुल भी नहीं है, मैदा घर में था भी नहीं, थोड़ा सा अवॉइड भी कर रहे हैं इसलिए। तो बस, और ये जो लच्छा पराठा है ना, इसमें ऑयल बहुत लगता है, पर क्या कर सकते हैं, कभी कभी चलता है। तो बस यही लगा कि यही बनाना चाहिए। और केक वगैरह भी कट नहीं हुआ था, सिर्फ केक आप लोगों को दिखेगा, कट करते हुए नहीं दिखेगा। रीज़न ये था कि पति देव घर में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे और लेट से आए थे, और लेट से आने के कारण सिर्फ खाना पीना हुआ, केक कट नहीं हुआ था। तो बस ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, और जो न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को पराठा से लच्छा दिखा रहे थे, और ये रहा हमारी पनीर की सब्जी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और हाँ, लाइक जरूर।